नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। मैं हूँ अरुंधति और आप देख रहे हैं गार्डनिंग विद अरुंधति। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ मंडेविला प्लांट्स के बारे में। ये देखिए, मेरे 3 मंडेविला प्लांट्स हैं यहाँ पर। ये रेड वाला, और ये देखिए, ये है सफ़ेद वाला, वाइट। देखिए कितने सारे कलियाँ हैं, और एक खिला हुआ है। और यहाँ पर आते हैं तो यहाँ ये पिंक मंडेविला, यहाँ देखिए ये 2 खिले हैं और भी कलियाँ भी हैं। और इस प्लांट में अभी फ्लावरिंग शुरू हो गई है, तो इसको थोड़ी सी हम खाद देंगे। तो इसके लिए पहले तो हमें मिट्टी को गुड़ाई करना है। ये देखिए, मैंने मिट्टी को गुड़ाई कर ली है। ये 3 पॉट में मिट्टी को मैंने गुड़ाई कर ली है, क्योंकि गुड़ाई करते वक्त भी थोड़ा सा वक्त जाता है, तो वक्त बचाने के लिए मैंने पहले से ही इसकी गुड़ाई कर ली है अच्छी तरह से। और यहाँ पर मैं दे दूंगी लिक्विड फर्टिलाइजर, आज देने वाली हूँ, और बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मैं देने वाली हूँ। तो अभी थोड़ी सी धूप ज़्यादा हो रही है, तो गर्मी में हमेशा लिक्विड फर्टिलाइजर ही अच्छा होता है। तो इसके लिए मैंने ले ली है ये पानी, 4 मग पानी ले ली है मैंने। इसमें 4 लीटर होगा पानी। इसमें ये 1 लीटर की करीब सरसों की खली और बनाना पील फर्टिलाइजर का ये मिक्स है, इसको मिला लेंगे। और इसमें मैं मिलाऊंगी ये रही सीवीड एक्सट्रैक्ट, और भी थोड़ी सी बूस्ट करने के लिए प्लांट को मैं दे दूंगी सीवीड एक्सट्रैक्ट। दोस्तों, ये जो खाद हम देते हैं ना, ये प्लांट को थोड़ी सी मजबूती देता है, और ये प्लांट के जो फ्लावरिंग होता है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करता है। ये देखिए, और प्लांट्स के जो ग्रोथ अच्छा होता है, उसके साथ साथ उसमें जो ब्रांचेस होते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस आते हैं। ये देखिए, करीब 500 ml के करीब मैं हर प्लांट में दे दूंगी। यहाँ पर देखिए, मैंने ऊपर पर मिली लगाई है ये थॉर्नलेस है, और यहाँ एक थॉर्न वाला है। तो ये देखिए, मंडेविला एक बहुत ही खूबसूरत समर प्लांट होता है। ये बेल होता है, अगर इसको हम कहीं ट्रेल में चढ़ा देंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से फिर ग्रोथ करता है। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रहे हैं ये, थोड़े से अगर बड़े हो जाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे, बहुत सारे फूल आएंगे इनमें। और ये रेड वाला जो मंडेविला होता है, ये थोड़ी सी डेलिकेटेड होता है, थोड़ी सी इसको बचाना मुश्किल हो जाता है विंटर में, जब डोरमेंसी का पीरियड होता है इसका। तो मैंने 3 एक ही साथ लेके आई थी 3 प्लांट, तो ये ख़राब हो गया था मेरा ये रेड वाला, तो मैं फिर से इसको अपने गार्डन में ऐड किया हुआ है। और ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये प्लांट मुझे। और अगर आपके गार्डन में ये नहीं है तो आप ज़रूर अपने गार्डन में इसको ऐड कीजिएगा, और हमेशा इसकी प्रोपोगेशन करते रहिएगा, क्योंकि ये प्लांट अगर एक बार ख़त्म हो जाता है तो फिर दूसरी बार फिर से ख़रीदना पड़ता है, और ये प्लांट थोड़ी सी महंगी भी होती है। तो फिर से ख़रीदने से अच्छा है कि हम इसको प्रोपोगेट करके एक से ज़्यादा प्लांट अपने गार्डन में रखें। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो, छोटा सा वीडियो है, वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरे हर आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। फिर किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो के संग आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।